दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय एसआर विद्या मंदिर नेर चौक मंडी। एंटी करप्शन क्राइम कंट्रोल फोर्स के राज्य अध्यक्ष नाथराम ने दिल्ली में सीबीआई अधिकारी द्वारा की गई आत्महत्या को लेकर निष्पक्षता से जांच की मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार यदि निष्पक्षता से जांच नहीं करती है तो एंटी करप्शन क्राइम कंट्रोल फोर्स मानवाधिकार आयोग और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेगी। उन्होंने यह बात शुक्रवार को मंडी में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि किसी भी राजनीतिक दल ने हिमाचल के मंडी जिला के अरिवासर से संबंध रखने वाले सीबीआई अधिकारी की आत्महत्या को लेकर जांच की मांग नहीं उठाई है, जो कि बेहद दुखनीय है। सीबीआई अधिकारी द्वारा दिल्ली में जिस तरह से प्रताड़ित होकर आत्महत्या का कदम उठाया गया है, उससे पूरा प्रदेश शोक में डूबा है। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार के साथ पूरा प्रदेश तब तक खड़ा रहेगा जब तक उन्हें न्याय नहीं मिल जाता। आप सबको पता है मैं परसों से यहाँ हूँ और मैं कल सुबह भी वहाँ जा सकता था। मुझे लगा परसों की जयराम जी आ रहे हैं, अनुराग जा रहे हैं, कैप्टन सुबह से आज वो मिलने जाएं, इसलिए मैंने दोपहर बाद का समय रखा, मैं दोपहर बाद मिलूँगा, लेकिन वो नहीं गए दोनों ने। बहुत दुखद, राजनीति कर लीजिए, पार्टी के लिए काम कर लीजिए, कोई मना नहीं कर रहा। अब जिस पार्टी में आप कर सकते हैं, स्वतंत्र है, लोकतंत्र का अधिकार है, पर इंसान ने ये भी कह दी कि आप जान भी बचाए ना किसी के। इतना बड़ा नाम अंडा ठाकुर, इतना दबंग आदमी ठाकुर है, अरे मार दिया हिमाचल का बेटा भाई, कहाँ गए ठाकुर भाई? जयराम ठाकुर जी आप ठाकुर हो, कहाँ गए ठाकुर भाई? पता ठाकुर किसे कहा जाता है, किसे रक्षा करे जो लोगों की हिम्मत ना हो किसी की चूं चपड़ करने की। अरे आप हिमाचल का लाल चल रहा, हिमाचल का लाल चला गया, और वो भी इस कंडीशन में कि कहा नहीं जा सकता, कहते नहीं बन रहा है। मैं आपको लेटर दिखाना चाहूंगा और वो नाम भी बताना चाहूंगा जिन लोगों ने हरासमेंट किया है, जिन लोगों ने प्रेशर किया था, जो सीधी सीधी उंगली उठाते हैं सीबीआई के ऊपर, सीधी सीधी उंगली उठती है गृह मंत्री अमित शाह जी के ऊपर, और सीधी सीधी उंगली उठती है मोदी जी के ऊपर। सरकार है ना भाई, तो नेहरू जी को तो हम नहीं कहेंगे, यहाँ से नेहरू जी को तो हम नहीं कहेंगे, नेहरू जी ने किया है ये, जिसकी सरकार है उस सरकार में हुआ है। ये लेटर है, शॉर्ट लेना चाह ले सकते नजदीक से भी। और ये जब ये इन्होंने जब दिल्ली ज्वाइन किया था तब से है 22/11/2021 उन्हें परेशान किया जाता था। देखिए लगभग साल भर लगभग झेला है उन्होंने वहाँ पर साल भर, और दो तीन महीने ऐसे हो गए थे कि जब से चाह रहे थे कि मैं वापस जाऊँ। उन्होंने इसमें बीमारी का हवाला दिया कि मैं बीमार हूँ और मुझे छुट्टी दी जाए, पर तब भी उन्हें छुट्टी नहीं दी गई थी। प्रेशर था, इन दोनों का दबाव था बहुत भयंकर, और ये लोग इनकी सर्विस में जो बोलते हैं ना पदोन्नति, उसमें क्या करना, वो समय बढ़ाना, अवधि बढ़ाना, छः महीने बाद फिर इनको दोबारा समय देना, समय और बढ़ाना, फिर 2 महीने बाद फिर और समय बढ़ाना। तो जिनके ऊपर उंगली उठ रही है ऐसे लोगों का समय बार बार सरकार क्यों बढ़वाती है? इसका मतलब खासम खास है अमित शाह जी के, इसका मतलब खासम खास है नरेंद्र मोदी जी के, और इन दोनों की वजह से उंगली उठती है सरकार के ऊपर भी। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए मंडी से विप्लव सकलानी की रिपोर्ट। एसआर विद्या मंदिर अनाउंसेस ड्रॉपर्स बैच नीट एनडीए आईआईटी जेईई मेंस एंड एडवांस स्टार्टिंग फ्रॉम 10th एंड 25th ऑफ दिस मंथ एंड कैन गेट अ स्कॉलरशिप ऑन द फर्स्ट 20 एडमिशंस एंड आल्सो ऑन मेरिट बेसिस। पीजी फैसिलिटीज आल्सो अवेलेबल। वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड बेस्ट इंस्टीट्यूट इन मंडी रीजन। मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर दिग्विजय सिंह फिजिक्स। फैकल्टी मोर देन 20 ईयर्स एक्सपीरियंस इन टीचिंग कॉम्पिटिशंस। For more information, please contact 01905222169, 89882221158 or 94187602690.